सो यो 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 भाई लोग कैसे हैं आप सभी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि यार आप सभी लोग गाइस यहाँ पर बहुत अच्छे होंगे दोस्तों और मज़े कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आरिश खान की हमारी नई और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता होगा मर्सिडीज़ का एक नया ट्रक आया था, ये जो अगर आप दूसरे चैनल पर फॉलो करते हो मुझे तो यहाँ पर ये ट्रक मैंने बुक कराया था, यानी कि फ्रैंकलिन ने माइकल के शोरूम से। ठीक है ना, फिर अभी बहुत सारे सीन वहाँ पर क्रिएट हो गए हैं। अमेंडा का मैं डिवोर्स तक बात आ गई है, वो आपको एक ही टेक्निकल पॉइंट पर ही देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर उस चीज़ों की कोई भी बात नहीं होती है। ठीक है ना, तो मर्सिडीज़ बेंज ये ट्रक देख लो, एकदम मस्त है। मर्सिडीज़ दावा करती है, मिशलिन के टायर डले हुए हैं इसके अंदर। मर्सिडीज़ दावा करती है कि ट्रक फुली ऑफ रोडिंग प्रूफ है, इसको तुम कैसी रस्तों पर चलाओ मतलब एकदम एक्सट्रीम परफॉर्मेंस तुम्हें गाइस यहाँ पर देगा। ठीक है, तो हमारे पास एक ऑफ रोडिंग ट्रैक भी है जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। हम उसी पर ही आज इस ट्रक को दोस्तों चला कर देखेंगे, क्या ये ट्रक वाकई में अपनी परफॉर्मेंस को वर्थ करता है या फिर नहीं करता, या फिर जो भी सीन वगैरह होगा वो आपको दिखाएंगे दोस्तों। फिलहाल इसका एग्जॉस्ट कहाँ है? ओ भाई, एग्जॉस्ट कुछ ज़्यादा ही भार कौन दे रखा है इसका। चलो सही है, कुछ ऐसा ट्रक है। ओ भाई, ये एयर ब्रेक इनेबल्ड हो चुका है। शिट 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 शिट, एयर ब्रेक इनेबल होने का मतलब है। चलो, ये हो जाता है कभी कभी बड़े बड़े शहरों में, ऐसी ऐसी बातें होती रहती हैं, इसको इग्नोर करना। तो गाइज कुछ इस टाइप का ट्रक है। ठीक है, ओ माय गॉड, बूस्टर्स भी लगे इसके अंदर, उठता है भाई पीछे से बूस्टर के नाम से। तो खैर वो तो भाई इमरजेंसी में उन्होंने दे रखे हैं, इंजन पे प्रभाव पड़ता है। 4000 आरपीएम तक ही जाता है, 6000 आरपीएम तक लिख रखा है इसके इंजन में, पर 4000 आरपीएम तक, 4500 तक जाता होगा बस, उसके बीच में इसकी सुई फ्लक्चुएट कर रही है। सही है, चलो जाना तो ज़्यादा चाहिए। एनालॉग में ज़्यादा तेज भागता है, सही है। ट्रक तो देखो दोस्तों एक नंबर है। ठीक है, चलो आराम से। ओ शिट 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 शिट, आराम से। बस मिशलिन के टायर्स में ये दिक्कत है कि एकदम से ऐसे करते हैं वो टायर, या तो डायरेक्ट जाए या सीधा जाए। हाँ हल्का सा लग गया, चलो ये तो लो तो। अरे यार अभी तो ज़्यादा ही लग जाता। एक तो इस ट्रक का थोड़ा सा ट्रैक्शन और भी ज़्यादा बेटर करना चाहिए मर्सिडीज़ को। चलो कोई नहीं, इसकी टॉप स्पीड वगैरह चेक करेंगे दोस्तों। बढ़िया, लुक दीज आर इंडिकेटर्स इज अमेजिंग। इंडिकेटर तो भाई देखो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। चलो मैं इसको ज़्यादा उस फ्लो में लेकर जाऊँगा कि बहुत तेज़ लेकर जा रहा हूँ, मतलब मीडियम सेक्शन में आराम आराम से चलाता हूँ। ठीक है ना, बढ़िया 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 बढ़िया, क्या बात है, मज़ा तो भाई देखो बहुत ज़्यादा आ रहा है ट्रक को चलाने में। अरे आराम से यार भैया, ये रहा मेरा घर। चलो, ऑफ रोडिंग ट्रैक आपको पता है ओआरटी वालों ने वो जो वहाँ पर लगा रखा है ना, आपको पता है वो ऑफ रोडिंग वाला ट्रैक लगा रखा, उसी पे चलाऊंगा। मैंने पार्टिसिपेट तो कर लिया था, रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना पड़ता है, हो चुका है वो तो। ठीक है, अच्छा है इसको ना, मैं एक बार चलो कोई नहीं फिक्स कर लेते हैं। बढ़िया, देखो भाई हल्का हल्का सा तो देखो दोस्तों लगेगा ही लगेगा, चाहे उसके लिए तुम कुछ भी कर लो। ये अगर तुम ये सोचते हो ना कि मतलब के बिल्कुल भी ट्रक नहीं टकरा सकता किसी भी चीज़ से या फिर ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तो भाई इसमें आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हो। ठीक है, चलो भयंकर भगाओ इसे, मस्त भगाओ मस्त। चलो
इंडिकेटर्स भी कुछ अच्छी दे रखे हैं, बैकलाइट ज़रा सी दे रखी है, सही है। इंडिकेटर्स में ज़्यादा उन्होंने खर्चा करा है, इंडिकेटर्स ज़्यादा डायनामिक लगने चाहिए। और जो रेड लाइट है वो तो छोटी सी दे रखी है, खैर कोई नहीं, आजकल तो और कोई वाइट कलर की देता है फिर अंदर से वो रेड जलती है। दिस लुक्स इज अमेजिंग। ये दोबारा ठुका यार, इतना भी नहीं ठुकना चाहिए, लास्ट बार फिक्सिंग है इसकी। ठीक है चलो बढ़िया, क्योंकि इतनी बार भी नहीं करना भाई मैं इसको फिक्स, मैं तो फिक्स ही करता हुआ रह जाऊँगा। ठीक है अंदर से दिखाऊँ, कंट्रोलिंग प्यारी है, अंदर तो देखो गड्ढों वड्ढों का इसका कुछ पता चलेगा ही नहीं, क्योंकि भाई बहुत अमेजिंग ट्रक है। अगर एक पानी का ग्लास या फिर कोल्ड ड्रिंक का ग्लास तुम भर के इसके डैशबोर्ड पे रख देते हो ना और फिर ये चलेगा, तो मतलब इतने गड्ढों वड्ढों में कैसे चला लो वो पानी का गिलास, ना ऐसे हिलेगा नहीं, समझ रहे हो, गिर भी नहीं सकता पानी का ग्लास। चलो सो गाइस वी आर हियर, तो यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ वगैरह आती हैं, स्टार्ट यहाँ से होगा। ठीक है इसमें इंजन भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग यूज़ किया गया है। ठीक है लेट मी जस्ट शो यू द ट्रक इंजन, ये देखो, देख रहे हो क्या इंजन है दोस्तों, ओह माय गॉड कितना प्यारा इंजन बनाया है कंपनी ने। आगे चेसिस की बहुत ज़्यादा भारी दे रखी है, चेसी भारी देने का मीनिंग ये है दोस्तों, यानी कि ट्रक बहुत भारी भरकम है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ठीक है और पीछे का तो बस यही है, ये ऐसे खुलता है, मैं लेट मी जस्ट शो यू, ये बस ऐसे खुलेगा और जो भी आपको रखना है इसके अंदर आप सभी रख सकते हो। ठीक है चलो ऐसा ही है, ज़्यादा वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग बनाया है, बस अपनी हैसियत के हिसाब से मर्सिडीज़ ने काफ़ी अच्छा फुली आर्मर्ड वगैरह दे रखे, इसे बहुत खूबसूरत दिखाने की भी कोशिश की गई है इस ट्रक को बाकी ट्रकों से अलावा। ठीक है जो फोर्ड वगैरह के आते हैं उनसे, तो चलो हम चलाकर देखते हैं, परफॉर्मेंस तो अभी पता चली जाएगी। चलो पहला पड़ाव आराम से, यार ओ माय गॉड व्हील अलाइनमेंट देख रहे हो भाई इसका कैसा है, पीछे का व्हील अलाइनमेंट मेरे को काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगा है। देखो ये एकदम टायर्स देख रहे हो आप एकदम कैसे एडजस्ट हो रहे हैं अपने आप ही, हाँ ये चीज़ काफ़ी खूबसूरत है इस ट्रक की। देखना ये है क्या ये ट्रक, नहीं भाई नहीं लग रहा, देख रहे हो एकदम अलाइनमेंट हो जाती है टायर्स की एकदम। हाँ यही तो होता है ऑफ रोडिंग, देख रहे हो टायर्स कैसे हो रहे हैं, नीचे की चैसी अगर लग भी रही है कुछ फर्क नहीं पड़ता। अरे यार ये तो बात होती है, ये हुई ना कुछ मर्दों वाली बात। चलो आराम से बढ़िया, थोड़ा लंबा है इस वजह से थोड़ा उससे चलाना पड़ता है इसको, सही है बढ़िया। ये सबसे ज़्यादा मुश्किल घड़ी होती है हर एक व्हीकल के लिए, यहाँ पर जितने भी बेसिकली अब तक मैं गाड़ियाँ वगैरह जो भी चीज़ें लेकर आया हूँ ना इस जगह के ऊपर, वो चीज़ें एक बार तो दोस्तों डगमगाई ज़रूर है। और डगमगाना देखो बनता भी है और नहीं भी बनता यार, देखो पर डगमगाई तो है यार, देखो मैं क्या ही बोलूँ आपको। ठीक है ना चलो लगता तो नहीं है कि डगमगाएगा, नहीं डगमगाया क्योंकि इसके व्हील्स बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं, ये एकदम गड्ढों को पीने के लिए बना है, ये ज़रा सा भी नहीं डगमगाया। कुछ कुछ व्हीकल्स ऐसे होते हैं ना वहीं पर ही रुक जाते हैं, पर इसको कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ा। सबसे मुश्किल पड़ाव होता है भाई वो, पर इस ट्रक के ऊपर ज़रा सा भी फ़र्क ही नहीं किसी भी चीज़ का, देख लो अच्छा बम्पर हिल गया इस जगह से लग के, ठीक है कोई बात नहीं। चलिए तो हम इधर से निकालने की कोशिश करें क्या, इन्होंने कुछ इनविजिबल थिंग्स भी गाइस यहाँ पर लगा रखी हैं। चलो बढ़िया,
इनविजिबल चीजें इतनी भी लगानी चाहिए यार। देखो बॉडी पे तो हल्का हल्का सा इसके स्क्रैचेस वगैरह तो देखो आते ही हैं। अब बॉडी के स्क्रैचेस को तुम यहाँ से जोड़ो, दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। ठीक है चलो बढ़िया है, वैसे मज़ा आ रहा है। चलो क्या बात है, आराम आराम से एकदम हो गया। चलो यहाँ पर ना ये गाड़ी हमेशा से डराने के लिए रखी जाती है कि जो लोग यहाँ पर आएंगे वो ऑफ रोडिंग देखेंगे तो डर जाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं, डरने कोई बात नहीं। इसकी हल्की सी बॉडी पे तो लग गई है, देखो यार बॉडी रोल तो हर कार का ऐसा सही होता है। तुम बात देखो मेनली इंजन होता है, अलाइनमेंट वगैरह होते हैं। पानी में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, एकदम पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत है इसकी, छोड़ता नहीं है भाई बिल्कुल भी। पकड़ बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। चलो ये हुआ कंप्लीट। इसी के साथ साथ साइड में को निकालो, इसकी कटिंग थोड़ी सी चौड़ी है, बस कटिंग की वजह से ही ये वाला जो व्हीकल है इतना वर्थ इट नहीं लगता है लोगों को लेना, समझ गए। हाँ पर सही है, बूस्टर्स भी तो दे रहे हैं यार मर्सिडीज़ वाले, और क्या क्या लोगे उनसे, बच्चे की जान तो लेने से रहे भाई। देख लो नॉर्मल उसमें, और ह्यूमन सेंसर्स भी हैं इसके अंदर, कि मतलब अगर कोई जीवित जान सामने आ रही है, मतलब जैसे कोई जानवर वगैरह, तो उनको हार्म नहीं करेगा ये, ऑटोमेटिकली ब्रेक्स लग जाएंगे इसके अंदर, समझ गए। वो भी एक मोड है, अगर तुम इनेबल करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो तुम्हारी मर्जी है। ऑटोमेटिकली ये ट्रक रुक जाता है, इमरजेंसी ब्रेक लगते हैं एकदम, तो किसी को नुकसान तो पहुंच ही नहीं सकता इससे, समझ गए। पर मुझे लगता है फिलहाल वो सेंसर्स ख़राब हो गए होंगे, क्योंकि मैंने ठोक दिया इसको सामने से बहुत बार। वो सेंसर जो है फ्रंट पे लगे हुए होते हैं, ठीक है। हाँ अब तो हो गए होंगे क्योंकि बम्पर भी मैंने तोड़ दिया इसका, पर खैर देखो ठुकना ठुकान तो लगा रहता है अगर तुम बहुत ही प्यार से चलाओगे। ये तो जस्ट एक रिव्यू यूनिट है मेरे पास, तो मैं इसको ऐसे चला रहा हूँ तो ठीक है, क्योंकि मैं चला सकता हूँ इसको ऐसे। पर जो बंदा इस ट्रक को ख़रीदने के लिए पैसे खर्च करेगा ना दोस्तों बहुत सारे, वो नहीं चाहेगा भाई कि वो अपने ट्रक को ऐसे वैसे करे, ठीक है। वो तो भाई बहुत ही प्यार से चलाएगा, तो डेफिनेटली यार प्यार से चलाना भी चाहिए, ठीक है ना। चलो ऐसे ही तो मज़ा आता है, हल्के सी इसके इंजन से नॉइज़ भी आ रही है भाई, बहुत बड़ा इंजन है इसका। इसके इंजन की मुझे लगता है जो इसका ओवरहीट होने का कारण, हमेशा मैं बताऊँ क्या होता है, ओवरहीट होने का कारण ये होता है कि इसका जो रेडिएटर होता है उसमें से कूलेंट वगैरह निकल जाता है, तो इंजन ठंडा नहीं हो पाता है, तो हीट हो जाता है बस, और कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। तो गाइस ये ऑफ रोडिंग इस मर्सिडीज़ के ट्रक की आपको कैसे लगी? खैर मैंने फिनिश करने में तो कामयाब रहा, और अगर आप सभी लोग चाहते हैं मैं किसी और भी व्हीकल के साथ ऐसी कुछ ट्राई करूँ ऐसी चीज़ों को, तो एक बार प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताना, ठीक है दोस्तों। एंड उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, भाई लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, एंड ऑब्वियसली यार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अगर जिगर के चल लो आपने अभी तक नहीं किया है, ठीक है दोस्तों। तो गाइज और देखो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना, और अपने भाई को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो, क्योंकि हमेशा मुझसे मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ये पूछते हैं कि आरिश भाई आप वीडियोस कब डालोगे, वीडियो का टाइमिंग क्या है। ऐसा लगता है कि भाई वीडियो लोगों को पता ही नहीं है मेरा टाइमिंग वगैरह क्या है, या फिर टाइमिंग शेड्यूल वगैरह बिगड़ गया है, मुझे खुद को ऐसी फीलिंग आती है। तो भाई प्लीज़ यार ऐसा कर लो, और अपने भाई को ना लोको एप्लीकेशन पर भी फॉलो कर लो। लोको ऐप पर फॉलो करने से क्या होगा, मैं कुछ गिव अवेज वगैरह करता रहता हूँ, तो उसके अंदर भी आप इजीली पार्टिसिपेट वहाँ से कर सकते हो, और भाई बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो अगर उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, एंड ऑब्वियसली शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो मिलता हूँ हम सभी से नेक्स्ट ब्रांड न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।